हेलो। हेलो। अनुकरण सैनी। नमस्ते एवरीवन, मैं अनिल कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। तो आज से हम आप लोगों के लिए आप लोगों के मन में बहुत इच्छा था कि सर जो है क्लास 10 जेई मेन और नीट और जेई एडवांस के लिए कुछ पढ़ाए, तो उसी के लिए हम लोग हैं। आज से पर डे चलेगा 4 बजे शाम लाइव। आप लोगों वॉइस क्यों कट रहा है आज? आप लोगों के लिए हम जो लाए हैं आज से बिल्कुल शुरू से फिजिक्स को आज से हम जीरो से देखेंगे। फिजिक्स को आज से हम लोग से देखेंगे और 8-9 महीना का चलेगा ये मास्टर कोर्स। अब बिल्कुल जीरो से चलेंगे और जिन लोगों को अभी तक फिजिक्स कुछ नहीं समझ, कोई टेंशन लेने की बात, आप लोग पर डे 1 घंटा 1.25 घंटा की लाइव क्लास कीजिए और पर डे अपना बैलेंस बनाइए, मेहनत कीजिए और आज के बाद आप लोगों को पढ़ाई समझ में आने लगेगा। हेलो प्रकर्ष, राधे राधे। और बता रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे और बता रहे हैं किसी के मन में होगा हम हिंदी मीडियम से हैं तो उसका भी कोई टेंशन नहीं लेना है, हर किसी को बिल्कुल अच्छा से समझ आएगा। तो आप लोगों को बता रहे हैं कुछ चीज आप लोगों को पहले भी भेज दिए थे, 19 तारीख का बोले थे स्टार्ट करेंगे लेकिन आज 20 हो गया। बता रहे हैं फिजिक्स मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स का मतलब ये हुआ कि आपको इसमें प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, मास्टर का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। इसमें आप लोगों को आज के बाद कंटिन्यू वीडियो मिलेगा और शुरू से मिलेगा और कुछ भी इसमें नहीं छूटेगा। जो लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं बिल्कुल करिए। और बता रहे हैं कि आप लोग का चैट उतना हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो कभी कभार देख पाएंगे और आप लोग चैट को गंदा मत करना। बता रहे हैं कि ये जो है 12th के लिए है, नीट और जेई, मतलब जो स्टूडेंट 11th में है 12th में है, जो नीट का तैयारी कर रहा है जेई का तैयारी कर रहा है उन सब के लिए ये सफिशियंट है, वो सब लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। और जितने लोग अभी देख रहे हैं सब लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं तो थोड़ा आप लोग मदद कीजिए। बता रहे हैं लाइव एट 4 PM प्रत्येक दिन ये 4 बजे शाम को लाइव चलेगी, जिसमें आज के क्लास में हम बताएंगे मैथमेटिक्स यूजेज। इस क्लास में चलेगा मैथमेटिक्स यूजेज इन फिजिक्स। हमें फिजिक्स में वॉइस कट रहा है, चलिए नहीं कटना चाहिए वॉइस। तो वॉइस कभी कभी ब्रेक करता है, माइक से कुछ गड़बड़ हो गया। बता रहे हैं आज मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स पढ़ाएंगे, आज पहला डे है और लेक्चर भी पहला है। किसका पहला लेक्चर है? तो मैथमेटिक्स यूजेज इन फिजिक्स का। एक ही जगह संपूर्ण फिजिक्स की तैयारी करें, लाइव क्लास PDF के लिए ये नंबर जो है इस पे हमें व्हाट्सएप करें, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप लोग को PDF आप लोग जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग को थोड़ा हम इंट्रोडक्शन चलते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत लोग अभी बैठे तो नहीं होंगे, पढ़े होंगे तो बहुत हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए हम यहाँ बात करेंगे फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, है ना।
सबसे पहला क्वेश्चन होगा फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स का थोड़ा डिफिनेशन चल के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर 7 बजे क्लास नहीं होगा, 7 बजे जो क्लास चल रहा था वो चलेगा जब तक खत्म नहीं हुआ है तब तक, लेकिन एक नया स्टार्ट कर दी है आप लोग से जुड़े रहने के लिए और आप लोग इसको कंटिन्यू क्लास करते रहिए। और बता दीजिएगा कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी सही है, लाइट ब्राइटनेस ऑडियो वीडियो। हाँ तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा फिजिक्स क्या है, है ना। याद रखिएगा फिजिक्स जो बना है ग्रीक का वर्ड, कौन वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से, है ना। कौन सा वर्ड है वो, फ्यूसिस है। ग्रीक वर्ड कौन सा है, फ्यूसिस, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर। क्या है, नेचर, है ना। हम लोग यहां से कह सकते हैं फिजिक्स इज, फिजिक्स इज डेट ब्रांच ऑफ साइंस। हल्का डिफिनेशन देते हैं, फिजिक्स इज डेट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ, वी स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम नेचर और लॉ ऑफ नेचर को अध्ययन स्टडी करते हैं, प्रकृति और प्रकृति के नियम को अध्ययन करते हैं। फिजिक्स प्रकृति का, फिजिक्स में हम प्रकृति और प्रकृति के नियम का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स इज डेट ब्रांच ऑफ, फिजिक्स इज डेट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ नेचर। बस थोड़ा सा याद रखिएगा, इसके बाद हम अपना पॉइंट पे आते हैं। जीरो स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर कौन है, जीरो। चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट है, इसको चैप्टर नंबर हम 0 बोल देंगे, क्योंकि आप लोग को याद रखना कि जब भी फिजिक्स पढ़ना है, जब भी आप लोगों को फिजिक्स पढ़ना है तो आप लोग को ये टर्म आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स मैथ डिपेंडेंट है तो मैथ की हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए चैप्टर 0 स्टार्ट किए हैं। चैप्टर 0 नाम क्या, मैथमेटिक्स यूजेज, मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। क्या है, मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, जो मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होगा उसके बारे में पहले हमें 4-5 क्लास लग जाएगा इसका चर्चा करना है, फिर हम जब यूनिट एंड मेजरमेंट पे आएंगे तो वहां से हम थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल जो भी होगा बोर्ड लेवल 11th लेवल 12th लेवल नीट लेवल और जेई लेवल पूरा असाइनमेंट हमारा क्लियर बना हुआ है। तो आप लोगों को जो हमारा PDF चाहिए DPP के लिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए, हमें नंबर पे, जो मेरा मोबाइल नंबर है 9708809410 पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो चैप्टर कंटेंट देखो, चैप्टर में क्या सब है मैथमेटिक्स के लिए, हमें अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, बाइनोमियल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, लॉगरिथिज्म, लॉ ऑफ लॉगरिथिज्म, एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ और देखते हैं, कुछ और है, ये सब आप लोग को क्या करना है, नोट कर लेना है। ये हम आप लोग को इस सब का PDF टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज देंगे। आगे क्या है, रेशियो ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, एरिया एंड वॉल्यूम, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सम यूजफुल फिजिकल कॉन्स्टेंट और टेरेस्ट्रियल कॉन्स्टेंट। इतना पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे,
हम लोग पहुंच जाएंगे यूनिट एंड मेजरमेंट पर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे यूनिट एंड मेजरमेंट पर, हम लोग आएंगे यूनिट एंड मेजरमेंट पर, यूनिट एंड मेजरमेंट पर। अभी हम सबसे पहले क्या बताएंगे, अलजेब्रा का कुछ जो हमें बेसिक टिप चाहिए। ये मत सोचना कि क्लास टेंथ का अलजेब्रा पढ़ा लेंगे, गणित क्लास इलेवेंथ का अलजेब्रा पढ़ाने लगेंगे, ट्वेल्थ का अलजेब्रा पढ़ा लेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। जितना फिजिक्स में यूज है उतना ही बताएंगे। साउंड ब्रेक हो रहा है, होता होगा ब्रेक, और थोड़ा साउंड को देख लेते हैं। चलिए, वॉइस से कभी कभी ब्रेक हो जाता होगा क्योंकि थोड़ा है प्रॉब्लम इधर। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं, कहां से, अलजेब्रा बीज गणित, जिसको इंग्लिश में हम हिंदी में क्या करते हैं, बीज गणित। बीज गणित से स्टार्ट करते हैं, इसमें जो फॉर्मूला सब बेसिक है उस सब के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। बीज गणित में जो बेसिक फॉर्मूला सब होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन आइडेंटिटीज के, किसके, कॉमन आइडेंटिटीज, कॉमन आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देख लीजिए, आप लोग साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता होगा, लेकिन हम आप लोग को क्यों लिखा रहे हैं, इसलिए लिखा रहे हैं कि आप लोग जब फिजिक्स पढ़े ना, आपके जो ही कॉपी में सारा चीज रहे, क्योंकि आप लोग को किसी प्रॉब्लम के समय अलग अलग खोजना ना पड़े, आपके खुद के लिखे हुए कॉपी में हर एक चीज मिल जाए। इसीलिए हम आपको एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे, क्लास थोड़ा अच्छा चलेगा, कुछ 7-8 दिन तो आप लोग को बेसिक ही चलेगा, यूनिट एंड मेजरमेंट से थोड़ा समझने वाला है, न्यूमेरिकल बनाना है, फिजिक्स आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, जानते हैं इस चीज को। सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूला देख लीजिए, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये भी लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ब्रैकेट ओपन कर दो तो 3a² b प्लस 3ab². फाइव फॉर्मूला देख लीजिए, a प्लस b का होल क्यूब में क्या लिख देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 into a प्लस 3ab into a plus b, इसका ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab². फाइव फॉर्मूला बता दिए हैं, ठीक ना। आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं।
रिया सिंह राठौर, गुड इवनिंग रिया। आज के बाद आप लोग जिनको जे मेन नीट का तैयारी करने आप क्लास 11th में है चाहे 12th में है क्लास रेगुलर ज्वाइन कर लीजिए। सप्ताह में चार रोज चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक ना। गुड इवनिंग रिया। चलिए आप लोग पीडीएफ से ही नोट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम हमें भी बचेगा आप लोगों को भी बचेगा। सिक्स नंबर फॉर्मूला देखते हैं। सिक्स नंबर फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम लोग एक ए भी जानते हैं, ए प्लस बी का ऑल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये कहां से आ गया, तो हम लोग जो यहां पिछला फॉर्मूला देखे थे है ना, यहां पे ये इसी को ए क्यू माइनस बी क्यू को इसको इधर ले आए, इधर लेके चले गए है ना, इसी से आ जाता है। क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या लेना है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। सेवन नंबर फॉर्मूला देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या आ जाता है टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एट नंबर फॉर्मूला, सेवन ये एट था, ये कौन आ जाएगा नाइन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या दे देंगे हम लोग फोर ए बी। इतना फॉर्मूला का आप लोग को क्या करना है, अलजेब्रा का इतना फॉर्मूला आप लोग को दिमाग पे हमेशा रखना है, जब भी जरूरत होगा तो हाँ ये ना भूलना पड़े, ये सब हमें नहीं आता है, ये सब आप लोगों की जानकारी में हमेशा रहना चाहिए, आप लोगों की जानकारी में ये सब हमेशा रहना चाहिए, ठीक ना, आप लोगों की जानकारी में हमेशा रहना चाहिए। इसके बाद देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बता रहे हैं हम सिर्फ आइडिया दे रहे हैं कि मैथमेटिक वाले में इतना चीज आप लोग को नॉलेज में होना चाहिए, जो क्लास 10 से भी हो सकता है, क्लास 11 से भी हो सकता है, ठीक ना। चलिए, और आप लोग से ज्यादा हम चैट में बात नहीं कर पाएंगे, अभी तो आप लोग को सिर्फ पढ़ना है, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा तो उस समय हमें जिनको क्वेश्चन करना होगा व्हाट्सएप पर भेजते रहिएगा, हम आपको स्क्रीन पर लाके प्रॉब्लम बता दिया करेंगे। चलिए अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द्विघात समीकरण का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण तथा एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एन
algebraic and algebraic equation of second order and algebraic equation of second order high power of variable is 2 high power of variable is called a quadratic equation. Called a quadratic equation. ध्यान दीजिएगा ax square है ना ax square plus bx plus c इसमें एक होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए या जीरो का विचार आप ना डिटेल में नहीं जाएंगे तो इसमें इट हैज सॉल्यूशन ऑफ टू वैल्यूज इसके पास कितना वैल्यू होगा टू वैल्यूज होगा इट हैज सॉल्यूशन फॉर टू वैल्यू ऑफ एक्स ठीक ना क्या होता है x इक्वल टू हम लोग sb प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इसमें एक बार प्लस साइन के साथ लेते हैं और एक बार माइनस साइन के साथ लेते हैं ना यहां पर जो है हम लोग तो b स्क्वायर माइनस 4ac हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में विभक्तर कहते हैं क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन बस हम आप लोगों को आइडिया देते जा रहे हैं कि हमें मैथमेटिक्स में क्या चीज होना चाहिए ताकि हमें फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो मैथमेटिक्स में क्या सब हमें आना चाहिए जो जिसके कारण फिजिक्स में हमें कोई समस्या नहीं हो ठीक ना हमें फिजिक्स में कोई समस्या नहीं हो रवीश राजपूत गुड इवनिंग रवीश तो आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए अब थोड़ा हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करेंगे ठीक ना बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे बढ़िया है रवीश जी अपना बताइए भारतपुर थैंक यू विकी जितने भी लोग हैं सब लोग चैनल को शेयर और कीजिएगा चैनल का पब्लिसिटी बढ़ाइए और ये बैच आप लोग को मास्टर कोर्स है बता रहे हैं ठीक ना मास्टर कोर्स है आप लोग जो है इस क्लास को मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये क्लास आप लोगों को अभी लगता होगा कुछ नहीं चल रहा है धीरे धीरे आप लोग को बहुत चीज सिखा दिया जाएगा वॉइस आज थोड़ा प्रॉब्लम है कल से नहीं होगा वॉइस की थोड़ा आज प्रॉब्लम है रवि जी आप लोग को ग्रुप में और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए मेरा मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए वहां से आपको मिल जाएगा ठीक ना मोबाइल नंबर हमारा चैनल से वो मिल जाएगा सब लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा
चले चलो, आप लोग साथ साथ नोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा समय हम दे दिया करेंगे। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। किसका? बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम, इसमें थोड़ा हमको समझाना पड़ेगा, समझाएंगे। कहता है द बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू, फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन ऑफ एन, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस ए का पावर अगर एन रहे, इस लोग लिखते हैं एक्स के पावर एन सी वन ए एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू ए स्क्वायर एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस 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 एन सी आर ए के पावर आर एन के पावर एन माइनस आर प्लस 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 ए का पावर एन। अब आप लोग को, अगर जो लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा ये क्या है, लेकिन इसको हम आप लोग को क्या करते हैं वहां बारीकी समझाते हैं। वेयर, जहां ए इज क्या है, ए इज कॉन्स्टेंट, क्या है, कॉन्स्टेंट, एंड एंड एन सी आर का जो वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल होता है, ठीक ना, फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब इसको थोड़ा हम समझाते हैं, देखो बा, इस जैसे हम यहाँ फाइव लिखे हैं ना, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल फाइव। इसको फाइव को ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फाइव के ऊपर ये वाला साइन लगा हुआ है या ये वाला साइन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल फाइव, क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल फाइव। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल फाइव। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर फैक्टोरियल फाइव लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फाइव मल्टीप्लाइड फोर मल्टीप्लाइड थ्री मल्टीप्लाइड टू मल्टीप्लाइड वन। मान लो फैक्टोरियल सिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सिक्स मल्टीप्लाइड फोर मल्टीप्लाइड थ्री मल्टीप्लाइड टू मल्टीप्लाइड, ठीक ना, मल्टीप्लाइड वन। अगर तो कहीं पर फैक्टोरियल एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि एन मल्टीप्लाइड एन माइनस वन मल्टीप्लाइड एन माइनस टू मल्टीप्लाइड डॉट 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 वन तक जाता है, कहां तक जाता है, वन तक, ठीक ना, एक सेकेंड, हेलो, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा और समझाते हैं ये, इसका मतलब भी समझा देते हैं।
नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है, वो 7 बजे बैच का बात 7 बजे कीजिएगा, वो अवश्य कराएंगे, ठीक ना, वो भी चलेगा। और इसमें एक चीज देख रहे हैं, इसका ये हटा कि नहीं हटा थंबनेल, लोड क्यों नहीं ले रहा है। चलिए ओके खुशबू, थैंक यू। अब थोड़ा इसका मतलब समझा देते हैं। यहां पर जो है एनसीआर, क्या है एनसीआर, एनसीआर का मतलब दिया गया है फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे मान लो 5C2 लिखा है, क्या लिखा रहे हैं 5C2, ठीक ना, क्या लिखा रहे हैं 5C2, इसका मतलब क्या हो जाएगा n के जगह पर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2, यही होगा। अब यहां से देखो तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, इसका मतलब हो गया ऊपर में 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बट्टे में फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, फिर गुना में फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, ठीक है। यहां से हम लोग देखें ये 3 से 3 टर्म कट गया, कितना आ गया 2 × 2 = 4, फाइनल आंसर कितना आ गया 10 आ गया। क्या आ गया आंसर 10। याद रखिएगा अगर कहीं फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल क्या है 3, याद रखिएगा बराबर में 5 × 4 ही आता है, बराबर में 5 × 4 ही आता है। चलिए चालू हो गया। चलो हुआ, चालू हो गया, 10 मिनट और पढ़ा देते हैं आज। आज 10 मिनट पढ़ा देते हैं और उसके बाद क्या है कि थोड़ा सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ बता रहा है। चलो हुआ, ऑडियो वीडियो सही है, ऑडियो वीडियो सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको सब नोट कर लीजिए, हुईगा तो कंप्यूटर हैंग कर गया था वो। आगे हमारा सेकंड नंबर देख लो, एक्सप्रेशन 1 + x^2 क्या है n, 1 + x^2 है, इसका क्या आ जाता है 1 + nx, ठीक ना, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड फैक्टोरियल 2 x^2 + n × n − 1 × n − 2 बटे फैक्टोरियल 3 x³ प्लस 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 आगे तक चला जाता है, ठीक ना, आगे तक ये चला जाता है। अब इसी में कहता है कि 4x का जो वैल्यू है क्या हो जाए 1 से बहुत छोटा, वी कैन निगलेक्ट द हायर पावर ऑफ x, वी कैन निगलेक्ट हायर पावर ऑफ x, x को क्या करते हैं हायर पावर को हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो हम लोग के पास सिंपल आ जाता है 1 + x^2 क्या है n,
है ना, 1 प्लस एक्स के पावर n, तो सीधे हम लोग 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं, आगे वाले पावर को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर मान लो सिमिलरली अगर 1 के पावर n है ना, n को क्या कर देते हैं, पीछे ले आते हैं, तो 1 माइनस एन एक्स लिख देना है। क्या लिख देना है, 1 माइनस एन एक्स, सही है ना। क्या लिख देना है, 1 माइनस एन एक्स। इसी तरह याद रखना, अगर 1 प्लस एक्स के पावर क्या है, माइनस एन, हमें लिख देना है 1 माइनस एन एक्स। ये एन को एक्स के पीछे डाल देते हैं, कहाँ डाल देते हैं, एक्स के पीछे। अगर 1 माइनस एक्स के पावर क्या रहे, माइनस एन, हम लोग क्या कर देंगे, एन को पीछे डाल देंगे, तो माइनस एन ऑफ एन माइनस प्लस एन एक्स हो जाता है, ठीक ना। इस सबको क्या करना है, आप लोग को याद रखना है। यहां पर जो है n, n जो है n may have any number, क्या होना चाहिए, may have any number, n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। n have any number, इसे एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, इवेल्यूट रूट में है 0.01, क्या है 0.01, इसका वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, 0.01 का वैल्यू फाइंड करना है। इवेल्यूट 0.01, इवेल्यूट 0.01, क्या है, इवेल्यूट 0.01, इवेल्यूट 0.01। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग के पास क्या है, रूट 0.01, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 0.01 को, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन गलत दे दिए थे, इवेल्यूट 1.01 है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.01 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.01। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.01 का पावर 1/2। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x का वैल्यू जो है ये क्या है, 1 प्लस x के टर्म में है, है ना। x का वैल्यू a1 से बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 और n पीछे रख देते हैं ना, प्लस 1/2 इंटू 0.01। यहां से क्या जाएगा, 1 प्लस काटेंगे तो 0.005, तो क्या जाएगा, 1.005, क्या गया, 1.005 आंसर, 1.005 आंसर, ठीक ना, 1.005 आंसर, 1.005 आंसर। आज पहला क्लास था, आज इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग से हम अगले क्लास में मिलते हैं। ओके खुशबू, कल हम मिलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सबका बेसिक बताते चलेंगे, पूरा नोट मेरा तैयार है, क्या क्या पढ़ाना है सो, ठीक ना। चलिए बिल्कुल खुशबू, बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि मुझे भी अपने चैनल को आगे बढ़ाना है, आप लोग के सारे ही होगा, ठीक ना। तो आप लोग घबराइए नहीं, ये क्लास कंटिन्यू चलेगा, बेसिक से स्टार्ट की है, 0 चैप्टर नंबर चल रहा है, उसके बाद 1 चैप्टर चलेगा यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके बाद स्केलर वेक्टर, उसके बाद 1 डायमेंशनल मोशन,
ठीक ना। और ये कंटिन्यू चलेगा, आप लोग को ये बिल्कुल सोचना नहीं है कि हिंदी इंग्लिश को आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिजिक्स जीरो से स्टार्ट किए हैं और आप लोग को क्या करना है, जो आज पढ़ा दिए हैं इसका पीडीएफ हम भेज देंगे और आप कोशिश कीजिएगा साथ साथ आप लोग नोट कर लेने का। और आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे खूब उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइजिंग बार बार कीजिएगा। जो आप पीडीएफ भेजेंगे इसको चार बार पांच बार करके लिखिएगा, जब तक आप उसको याद ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस नोट करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। बाबा आज पहला क्लास था, आज यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा कंप्यूटर भी हैंग कर गया है। तो कल से आप लोग को जो है थोड़ा इससे बड़ा क्लास चलेगा, जैसे आज 45 मिनट लाइव है तो इसमें 5 मिनट तो गड़बड़ा ही गया, ठीक ना। और 5 मिनट गड़बड़ा ही गया। और आप लोग भी थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि ये जो बैच है ये हिट हो जाए और ये कंटिन्यू चलेगा। जिन लोगों को फिजिक्स से अभी डर लग रहा था, याद रखना बाबू बिल्कुल प्यार से आराम आराम से पढ़ाएंगे, ठीक ना। इसमें कोई झंझट नहीं है कि हमारा सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम फिजिक्स सिखाने के लिए आए हैं। क्या सिखाने के लिए आए हैं, फिजिक्स सिखाने के लिए आए हैं और फिजिक्स आप लोग को सिखाएंगे। बस आप लोग भी आप मेहनत रखिएगा, बिल्कुल डीपीपी मिलेगा, डीपीपी यूनिट एंड मेजरमेंट से मिलेगा। इस सबका डीपीपी बेसिक यूज ऑफ मैथमेटिक्स है, सबका सिर्फ यूज है, बताएंगे कि चीज वहां पढ़ाए थे, वहां पढ़ाए थे, कॉपी उल्टा के देख लेना, ठीक ना। इसलिए सब बताना पड़ रहा है। तो आप लोग से अब कल मिलते हैं लाइव क्लास में, 4:15 में स्टार्ट हो जाएगा। हम आप लोग को पहले से ही इस पे नोटिफाई मैसेज चला जाता होगा यूट्यूब पे, ठीक ना। तो थैंक यू, बाय, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलो तब हम लाइव स्ट्रीम बंद कर देते हैं, ठीक ना। कर देते हैं।